नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिजली विभाग अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में बना रहता है। कभी बिना लाइट के ही बिजली का बिल, तो कभी मृतक के नाम बिजली के बिल को लेकर लोगों को ठगने का कार्य कर रहा है। ताजा मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां पर राम दुलारे के परिवार के लोग उस समय हैरान हो गए जब उनके पास 15 साल पहले मृतक पिता के नाम से बिजली विभाग ने 1,81,973 रुपये का बिजली का बिल भेज दिया। वहीं आपको बताते चले कि ये बिल जिस परिवार के नाम से बिजली विभाग ने भेजा है, उसका नाम समप था, जिसकी मृत्यु 15 साल पहले हो चुकी है, और उसके नाम से जो बिजली का कनेक्शन था, उसका बकाया भुगतान 20 फरवरी 2018 को ही उसके लड़कों ने खेत बेचकर कर दिया था, और बिजली विभाग ने प्रमाण पत्र भी जारी करके उसके घर से लगे बिजली के मीटर को भी उखाड़ लिए गए थे। राम दुलारे के बिजली कनेक्शन विच्छेदन के करीब 2 साल बाद बिजली विभाग ने बकाया बिल भेज दिया, जिससे उनका परिवार काफी परेशान हो गया। हमारे पिताजी के मरे 15 साल हो गए और बिजली बकाया रहा। हमारे मैंने चार बार से जमा कर चोरी खेत वोत बेच के और कुछ, और बाद में फिर का बोले बिजली बकाया 2 साल के बाद फिर आवा है 1.5 लाख रुपये करीब। के नाम से आवा है? संपत के नाम से। संपत के मरे कितना दिन? 15 साल। उनके नाम से कनेक्शन नहीं रहा? रहा तो वो बकाया रहा तो हमारे जमा किए, तो कहा कि आपका कनेक्शन कट गया था कि रहा है? कट गया रहा तुरंत कनेक्शन, अब फिर से आवा है, फिर आरसी भेजे हैं 2 साल। कनेक्शन कटने के बाद इतना बिल आ गया, कितना परेशानी है? बिल आवा है फिर आरसी काट के भेजे हैं। कितना परेशान हो से? उसे बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, घर भर हमारे परेशान, खाना नहीं बना था। संपत कह रहे हैं? पिताजी रहे हमारे। गाँव ससीना गाँव है, जिसमें एक व्यक्ति के नाम से जो 15 साल पहले मृतक हो चुका है, बिजली विभाग ने बिजली का बिल भेज दिया 1,81,973। गरीब परिवार है, काफ़ी परेशान है। देखिए, अगर किसी का कनेक्शन है, कनेक्शन यूज़ कर रहा है, अगर मृतक हो गया, उसके परिवार उसके लड़के अगर यूज़ कर रहे हैं, तो बिजली का बिल उनको भरना पड़ेगा। नाम उनके लड़के एफिडेविट दे के उसको ट्रांसफ़र करा ले अपने नाम से, क्योंकि जैसे खतौनी होता है मृतक के बाद उनके बेटे या उनके वारिस के नाम हो जाता है, उसी तरह बिजली का बिल है। अगर यूज़ कर रहे हैं उनके लड़के, तो उनके लड़कों को ही जमा करना पड़ेगा। नाम ट्रांसफ़र करा लिए, उनके नाम ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे प्रावधान, हम नाम ट्रांसफ़र कर देंगे उनके नाम से। 20/2/2018 को आपके विभाग द्वारा ही स्थायी विच्छेदन प्रमाण पत्र उसको जारी किया गया है, मीटर जमा करने की बात उसमें लिखी गई है। उसके बाद आखिर 2 साल विच्छेदन के 2 साल बाद कैसे भी अगर उनको मीटर प्रमाण मतलब डिस्कनेक्शन की नोटिस दी गई होगी, डिस्कनेक्शन हुआ होगा, उसका कोई पेपर होगा, वो पेपर हमें उपलब्ध कराएं, हम उसी डेट से उसको ख़त्म करा देंगे जिस डेट में, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ तो दे। जहाँ तक मुझे पता है कि जेई द्वारा कहा गया कि आपके पास जो पेपर है जो लाइन कटने का, उसको उपलब्ध कराएं ताकि हमें इसके फर्दर कार्रवाई कर दें, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं कुछ किया, कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराया। सर, अगर उनके पास स्थायी विच्छेदन प्रमाण पत्र है और बिजली विभाग से 2 साल बाद अभी मृतक व्यक्ति के नाम से जिसका कनेक्शन काटा जाए, आज के डेट में बिल आ गया, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती हो रही विभाग की नहीं है? वो जो भी विच्छेदन प्रमाण पत्र उसको उपलब्ध कराएं, हम उसको जाँच करा लेंगे, कनेक्शन नहीं चल रहा होगा, उसको हम उसी डेट से खत्म कर देंगे। मतलब इसमें जो दोषी होगा क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई भी होगी? अगर होगा जो दोषी होगा उसको जो विभाग